नमस्कार, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल में, पंजाब और हिमाचल के कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। हिमाचल के अनुबंध कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अभी अभी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों का अनुबंध कार्यकाल 2 वर्ष होने जा रहा है। 2 वर्ष अनुबंध होने वाली फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय से साइन होकर आ गई है और अब किसी भी वक्त अधिसूचना जारी हो सकती है। पिछले काफी समय से 2 वर्ष अनुबंध का इंतजार कर रहे अनुबंध कर्मचारियों के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है, लेकिन अभी तक फिलहाल ये अधिसूचना नहीं हुई है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले सोमवार को ये अधिसूचना जारी हो सकती है। हालांकि सरकार ने यहां पर ये भी क्लियर कर दिया है कि उसमें जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 30 सितंबर 2021 रखी गई है। जी हाँ, यानी कि 30 सितंबर को जितने भी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं वो कर्मचारी रेगुलर होंगे, अब नियमित हो पाएंगे। आने वाले अगले हफ्ते में हो सकता है सोमवार को इसकी अधिसूचना हो जाएगी और जल्द ही कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिल पाएगा। आने वाले दिनों में जब अधिसूचना होगी तो उसके बाद विभाग अपने स्तर पर कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करेंगे और उसे अधिसूचित करेंगे। जिस दिन वो विभाग अपने कर्मचारियों के लिए अधिसूचना जारी करेंगे उस दिन से कर्मचारी नियमित माने जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर जो डेट ऑफ रेगुलराइजेशन रहने वाली है वो डेट ऑफ ऑर्डर रहेगी, यानी कि जिस दिन नियमितीकरण के आदेश होंगे उसी दिन से कर्मचारी को नियमित माना जाएगा। हिमाचल में अनुबंध कर्मचारी नियमित होने की राह देख रहे हैं। जो भी कर्मचारी 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, 30/9/2021 को देखा जाएगा कि कितने कर्मचारी जो है 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जो भी कर्मचारी ये कार्यकाल पूरा कर चुके हैं वो कर्मचारी अब आने वाले समय में नियमित हो जाएंगे। आज ही मुख्य सचिव द्वारा 2 साल अनुबंध की फाइल को तैयार कर लिया गया था और उसे मुख्यमंत्री से अप्रूव करवाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा ये फाइल साइन हो चुकी है और कभी भी इस बारे अधिसूचना जारी हो सकती है। जी हाँ, कहा जा रहा था कि आज ही ये अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। तो आने वाले 2 दिन छुट्टी है, जहाँ पर कल 25 दिसंबर और 26 दिसंबर की छुट्टी है, वहीं पर आने वाले सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। तो जितने भी कर्मचारी 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन सभी कर्मचारियों के लिए जल्द ही अच्छी खबर सामने आ सकती है। दूसरी तरफ बात करें अगर नए वेतनमान की तो उसकी फाइल भी तैयार हो चुकी है। आने वाले हफ्ते में उसकी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि सरकार को 1 जनवरी 2022 से कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ देना है। ऐसी स्थिति में आने वाले हफ्ते में इसकी अधिसूचना होनी निश्चित है, क्योंकि उसके बाद कर्मचारियों को ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए समय दिया जाना है। तो जितनी जल्दी ये अधिसूचना होगी उतना ज़्यादा समय कर्मचारियों को ऑप्शन चूज करने के लिए मिल जाएगा और उन ऑप्शंस को लेने के बाद कर्मचारियों को जो फरवरी माह में जनवरी का वेतन मिलने वाला है वो नए वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा। जैसा कि पंजाब के कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि पंजाब सरकार ने बहुत सी विसंगतियों को यहां पर नए वेतनमान में रखा है। हालांकि हिमाचल सरकार से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जितनी भी विसंगतियां पंजाब सरकार के नए वेतनमान में हैं उनको दूर करते हुए हिमाचल सरकार अच्छे तरीके से नए वेतनमान को लागू करेगी, ताकि आने वाले फरवरी माह में हिमाचल के सभी कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिल सके।